देश में बर्दाश्त नहीं करेगा। रशीदी जी, रास्ता खुला है, ध्वज का अपमान एहसान हम करते हैं चुट्टा, आप देखिए बाहर का रास्ता। मुस्लिम दुश्मनी में इतना मत डूबो कि आप पत्रकारिता सही से करना छोड़ दो। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। अगर आप राष्ट्रवादी चैनल हैं तो आप रशीदी को फ्रेम से आपको हटाना चाहिए। भारत, डियर फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं कुछ नेशनलिस्ट मुस्लिम को, इनमें डॉक्टर तारिक फतेह, ताहिर गोरा, आरिफ अजाकिया साहब और भारत के सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट सुभी खान, डॉक्टर रिजवान अहमद लखनऊ जैसे लोग हैं जो रोज ही रोज विद प्रूफ कैसे नफरती कठमुल्लाओं मौलानाओं की रोज थज्जियां उड़ाते हैं। आइए सुने। ये जो रशीदी, ये जब बैठते हैं इनके पीछे तिरंगे पर खजूर और दो तलवारें हैं जो अरबिक साइन है, और ये भारत को हरा दिखाते हैं। ये ही PFI चाहता है 2047 में, और रशीदी जैसे लोग पीछे ये मैप लगा के उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। मैं इसको इशू नहीं बनाना चाहता, लेकिन अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। अगर आप राष्ट्रवादी चैनल हैं तो आप रशीदी को फ्रेम से आपको हटाना चाहिए, और उनको कहना चाहिए कि ये PFI का जो तमाशा तुमने अपने पीछे कर रखा है इसको हटाओ। साजिद रशीदी जी, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूं, ये जो पीछे तिरंगा है जिसकी बात अभी रिजवान भाई ने की है, ये तिरंगे पर खजूर लगाना ये कहां से उचित है? आप भारत में रहते हैं या किसी और देश में रहते हैं? जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, और उस तिरंगे का अपमान करते हुए आपको जरा भी संकोच नहीं होता साजिद रशीदी जी? नाविका, मुझे नहीं पता था कि आप भी इस ट्रेम में आ जाओगी जो रिजवान ने शुरू किया है। मैं भी क्या, मुझे नहीं पता था मैं इसका भी क्या? का ज्ञान किसी अगर को आप नहीं हिंदुस्तान है, का नक्शा और क्या? अगर आप हिंदुस्तान का नक्शा गलत लगाएंगे तो मैं भारतीय नागरिक हूं, मैं ऑब्जेक्ट करूंगी। आप भी से आपका मतलब क्या? कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। अब कौन पकड़ के लेके आया इसे? संविधान मुझे मना करता है क्या? बिल्कुल मना करता है। तिरंगे संविधान को, मुझे मना करता है क्या? तिरंगे को क्या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का चिन्ह नहीं लगा सकते? तिरंगे में आप खजूर के पेड़ और तलवारें नहीं लगा सकते, तिरंगा तिरंगा होता है। खजूर का पेड़ हिंदुस्तान में नहीं, नवरात्रि में तलवार नहीं लहराई जाती। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। RSS के हर प्रोग्राम में तलवार नहीं लहराई जाती, तिरंगे पे नहीं लगाई जाती, तिरंगे पे दुर्गा माँ नहीं लगाई जाती, नहीं लगाए जाते तलवार, नहीं लगाए जाते तलवार, हाँ अशोक चक्र ही लगाया जाता है। आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए, या फिर आप हिंदुस्तानी है ही नहीं। मुस्लिम दुश्मनी में सुनो, मुस्लिम दुश्मनी में इतना मत डूबो कि आप पत्रकारिता सही से करना छोड़ दो। ये फंस गया सर, अब तो सर बोल दे। रशीदी, इतना मत डूबो। रशीदी साहब, गलत बात है। मेरे आप को, टॉपिक पे मेरे को टॉपिक कोई भी मुस्लिम से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो गलत बात करेगा उस पर मैं सवाल उठाऊंगी। इस पर कर लीजिए टॉपिक। नहीं, किस पर कर लूं मैं टॉपिक? ये आप तय नहीं करेंगे, मैं बात करूंगा। आप तय नहीं करेंगे, लेकिन आप बताइए ना, आपने ये तिरंगे को आपने इस तरह से क्यों किया? आप करेंगे कि मैं बैठूं ना बैठूं? सुनिए, नहीं, आपने तिरंगे को इस तरह से क्यों बना दिया? अगर बैठ गया, ये मेरा एहसान है आपके ऊपर। मेरे को आपका एहसान नहीं चाहिए। आप जाइए कोर्ट मेरे खिलाफ। ऐसा है, आपका कोई एहसान नहीं है। आप कोर्ट जाइए मेरे खिलाफ। आपका कोई एहसान हमें नहीं चाहिए। एहसान हम करते हैं छुट्टा। आप देखिए बाहर का रास्ता। मुझ पर एहसान ना कीजिए, बल्कि मेरे दर्शकों पर ये एहसान कर दीजिए कि आदाब करिए और निकल जाइए, क्योंकि अब मुझे आपके एहसान, आप राष्ट्र, आपके पीछे राष्ट्र ध्वज का अपमान मैं नहीं सह सकती, और मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। आप या तो उस राष्ट्र ध्वज की आप रिस्पेक्ट करना सीखे, वरना आपका एहसान भारत वर्ष को नहीं चाहिए, भारत देश को नहीं चाहिए, इस नव भारत को नहीं चाहिए। कोई इस देश में बर्दाश्त नहीं करेगा आपकी इस मानसिकता को। इस सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। रशीदी जी, रास्ता खुला है, दरवाजा खुला है, और मैं बता दूं मैं इनका फेडर डाउन कर रही हूँ, और इनको हटा दीजिए। ना काबिले बर्दाश्त है तिरंगे का अपमान, ना काबिले बर्दाश्त है तिरंगे का अपमान। और रशीदी जी जैसे लोग जो
तिरंगे का अपमान कर सकते हैं, वो किसी औरत, किसी रूपाली का दर्द क्या समझेंगे। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब को टच कर ब्लैक कर दें और बेल को टच कर ऊपर की बेल ऑन कर। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। जय हिंद।